रविवार को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC ने राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 रखी है। प्रदेश भर में आयोग ने 2,30,000 अभ्यर्थियों के लिए 605 केंद्र बनाए हैं, जिसमें पहली बार देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के 6 विभागों को केंद्र बनाया है। IIT, IIPS, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, EMRC शामिल है। शनिवार को केंद्रों पर अभ्यर्थियों के लिए बैठक व्यवस्था करना है। वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट के अंतर्गत नागदा नगर पालिका उज्जैन नगर निगम के सहयोग से अनुपयोगी कचरे से बिजली बनाने जा रही है। इस प्रोजेक्ट में नगर पालिका द्वारा लगभग 2,79,00,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें कुछ राशि केंद्र सरकार तो कुछ राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी। राज्य विधानसभा चुनाव जीतने वाले 18 पूर्व मंत्री इन दिनों बेचैन हैं। इसकी वजह मंत्रिमंडल में स्थान मिलने या न मिलने को लेकर संशय है। दरअसल भाजपा के बड़े नेता बार बार यह संकेत दे रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भी पार्टी गुजरात मॉडल लागू कर सकती है। ऐसे में कई पूर्व मंत्री परेशान हैं कि उन्हें अब शायद ही मंत्री बनने का अवसर मिले। देवास प्रशासन का एक्शन, मांस की अवैध दुकानों पर चला बुलडोजर, धार्मिक स्थलों से उतारे लाउडस्पीकर। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव द्वारा जारी आदेश के बाद शुक्रवार को नगर में अवैध रूप से संचालित मांस, मछली व अंडे आदि की दुकानों पर कार्रवाई करते हुए लगभग दर्जन भर से अधिक दुकानों को बंद कराया गया। अनेक दुकानदारों को हिदायत दी गई। संसद भवन की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले आरोपियों से दिल्ली पुलिस की पूछताछ जारी है। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने अदालत में दायर अपनी रिमांड में सनसनीखेज खुलासे किए। पुलिस ने अदालत को बताया कि वारदात के कथित मास्टरमाइंड ललित झा और उसके साथी देश में अराजकता पैदा करना चाहते थे, ताकि सरकार को अपनी मांगों को पूरा करने के लिए मजबूर किया जा सके। छत्तीसगढ़ में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में कई ऐसी सीटें हैं जहां से सरपंच से विधायक बने नेताओं ने दिग्गजों को धूल चटाई है। नवनिर्वाचित 90 विधायकों में से दर्जन भर ऐसे हैं जिन्होंने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत सरपंच के रूप में की। चुनावों में चित्रकूट, अभनपुर और राजन विधानसभा की जीत काफी दिलचस्प रही। भोपाल जिला में ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए DJ पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी जिला प्रशासन द्वारा कर ली गई है। अब DJ एक सीमा तक ही उपयोग किया जा सकेगा, इसका आकार तय कर दिया गया है। साथ ही बड़े आकार के सभी DJ जब्त कर लिए जाएंगे। वहीं DJ में 2 से अधिक बॉक्स नहीं रखे जा सकेंगे। इन नियमों का सख्ती से पालन कराने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस की टीमें संयुक्त रूप से निगरानी के साथ ही कार्रवाई करेंगी। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार विधानसभा शीतकालीन सत्र से पहले हो सकता है। 17 दिसंबर को CM साय दिल्ली में हाईकमान से मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा कर सकते हैं। मुख्यमंत्री समेत 13 मंत्री ही हो सकते हैं। अब तक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री नियुक्त हो चुके हैं। बाकी 10 को मंत्री बनाना है, मगर दावेदार 15 से अधिक है। छत्तीसगढ़ में सरकार बदलते ही मुख्यमंत्री के काफिले से BB0023 का नंबर प्लेट हटा दिया गया है। यह नंबर प्लेट पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के काफिले में शामिल था।
सूत्रों के मुताबिक बीबी का मतलब भूपेश बघेल व 0023 का मतलब भूपेश बघेल के जन्मदिन यानी 23 अंक को लेकर लिया गया था। सरकार बदलते ही अब मुख्यमंत्री सचिवालय ने दिशा निर्देशों के बाद नई गाड़ियों में नंबर प्लेट बदलवा दिया है। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में नक्सलवाद को खत्म करने के लिए चलाए जा रहे अभियान में शनिवार को बीजापुर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने पेद्दाकोरमा के जंगल में शनिवार को नक्सलियों के साथ मुठभेड़ के बाद उनका कैंप ध्वस्त कर दिया। नक्सलियों के कैंप से भारी मात्रा में विस्फोटक, दवाइयां, नक्सली वर्दी, प्रतिबंधित नक्सल संगठन के प्रचार प्रसार की सामग्री, नक्सली साहित्य एवं अन्य दैनिक उपयोग की सामग्री मिली है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम की भतीजी ने अंतरजातीय युवक से रचाई शादी, सुरक्षा के प्रति आशंकित। घर से भागकर अंतरजातीय विवाह और पुलिस से सुरक्षा की मांग का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में लड़की ने स्वजनों से जान का खतरा बताया है। युवती ने वीडियो में कहा है कि उसने अपनी मर्जी से दूसरे जाति के युवक से शादी की है। उसके माता पिता शादी के खिलाफ है और उसे डरा धमका रहे हैं। युवती ने पुलिस से मदद मांगी और घरवालों से बचाने की गुहार लगाई है। युवती का यह वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अरब सागर में कार्गो शिप हाईजैक, मदद में भारतीय नौसेना का ऑपरेशन जारी। नौसेना के अनुसार सूचना मिलने पर उसके युद्धपोत और समुद्री गश्ती जहाज ने शुक्रवार शाम को तेजी से प्रतिक्रिया दी। बिलासपुर शहर के विभिन्न वार्डों में आज से लगाएंगे शिविर। जिला उद्योग एवं व्यापार केंद्र के अफसर होंगे शामिल। डबल इंजन की सरकार बनी तो सरकारी योजनाएं रफ्तार पकड़ने लगी है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर राज्य सरकार ने फोकस करना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अति महत्वाकांक्षी योजना में से एक है पीएम विश्वकर्मा योजना। छत्तीसगढ़ में योजना के क्रियान्वयन को लेकर अब काम प्रारंभ हो रहा है। इंदौर राज्य शासन की प्राथमिकता वाली अटल गृह ज्योति योजना का पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ क्रियान्वयन कर रही है। मालवा निमाड़ में एक माह के दौरान 32.27 लाख उपभोक्ता लाभान्वित हुए हैं। इन उपभोक्ताओं प्रथम 100 यूनिट तक बिजली 1 रुपए यूनिट की दर से मात्र 100 रुपए में प्रदान की गई है। इन उपभोक्ताओं को मप्र शासन की ओर से एक माह के दौरान करीब 153 करोड़ सब्सिडी प्रदान की गई है। सबसे ज्यादा इंदौर जिले के करीब 5 लाख उपभोक्ता लाभान्वित हुए हैं। चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस ने जनता से मांगा चंदा। 18 दिसंबर से शुरू होगा क्राउड फंडिंग अभियान। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने शनिवार को दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डोनेट फॉर देश अभियान की जानकारी दी।